अमरपुर विधानसभा का ये सुल्तानपुर का पंचायत और सुल्तानपुर गांव भी है, और सुल्तानपुर गांव में देखा जाए तो ज़मीनी स्तर पर लोग क्या सोचते हैं, बदलाव करेंगे या तो फिर यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, इस चीज़ को लेकर हम हैं। और ख़ासकर चर्चा में केवा जो मेरा शो है जिससे आप जिसको लेकर हम आते हैं आपको, और विधानसभा क्षेत्र से जो है पंचायत स्तर से लेकर गांव तक जाते हैं, और वहां पर ज़मीनी स्तर पर जो लोग होते हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर यहां की समस्या क्या है, और वर्तमान के जो विधायक हैं क्या उनसे लोग खुश हैं या फिर लोग बदलाव चाहते हैं। क्या सर, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कामरान। कामरान जी, आपके जो विधायक रहे हैं, अब तो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, होंगे ही, तो क्या लगता है कि बदलाव होगा या फिर जो आपके विधायक हैं उनकी कार्यशैली से खुश हैं? देखिए, जहांदार माजी से हम लोग खुश नहीं हैं, इसलिए कि हम लोग के गांव में विकास कुछ हुआ ही नहीं है। बहुत सारा रोड का समस्या है, बहुत सारा नाले का समस्या है, बिजली का समस्या है, किसान का समस्या है, पानी नहीं आ रहा है, किसान लोग बहुत परेशान हैं। तो क्या सोचे, क्या सोचे, क्या हैं आपकी सोचे हैं हम लोग बदलाव करने के लिए? बदलाव करने के लिए सोचे हैं तो कैसे प्रत्याशियों को मौका दीजिएगा? देखिए, ऐसा है, हम लोग सोचे हैं, क्या बोलते हैं, लालटेन को वोट देंगे आपकी। लालटेन को, यानी महागठबंधन के प्रत्याशियों को मौका दीजिएगा। बीजेपी को तो वोट देना ही नहीं है। बीजेपी को वोट नहीं करना है? अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको कि महागठबंधन यानी कि लालटेन से, यहाँ से मतलब महागठबंधन से जो भी हो, चाहे कांग्रेस हो, जो भी गठबंधन के कोई भी दल के नेता हो, उसको वोट देंगे हम लोग। अच्छा, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि महागठबंधन के जो प्रत्याशी होंगे वो आपके क्षेत्र में विकास करेंगे? नहीं, ऐसा क्यों लगता है ये बताइए। देखिए, हम लोग बीजेपी से ऐसे भी बहुत परेशान हैं, बेरोजगार है आदमी, काम धंधा है नहीं, लॉकडाउन में आदमी भुखमरी हो गया है, खाने के लिए तरस रहा है, काम धंधा नहीं है, इसके लिए आदमी परेशान है बीजेपी से, इसलिए बदलाव होगा। हमारे साथ चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मकसूद का। उम्र कितनी हो रही है चाचा? 70 होगा। और का 70 की उम्र में तो आपने बहुत सारे राजनीति के पहलुओं को देखा होगा, और ख़ासकर देखा जाए तो 70 की उम्र में जब आप 25 के होंगे तो उस समय की जो राजनीति थी और अभी की जो राजनीति है, तो चाचा क्या बदलाव आया है और कितना बदलाव आया है? कौच भी हम बोलेंगे, बदलाव हुआ है पहले की राजनीति, आपके ज़माने में जब राजनीति होती थी और अभी की? नहीं बोल सके, नहीं बोल सकिएगा। अच्छा, इतना तो बोल सकते हैं ना कि आपके जो विधायक हैं यहाँ के वर्तमान के, उनसे खुश हैं? खुश है उसके, काम किया है उन्होंने। चलिए, तो फिर वो उन्हीं को चाह रहे हैं? नहीं बोलते, चलिए कोई बात नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमशाद। शमशाद जी, आपके जो वर्तमान के विधायक हैं उनकी कार्यशैली से खुश हैं? नहीं, खुश नहीं हम लोग। क्या बदलाव होगी? बदलाव होना चाहिए। क्यों? बदलाव में चर्चा में कौन है? चर्चा में कौन है? अभी तो लालटेन का सुन रहे हैं। तो आपको लगता है कि लालटेन यानी कि महागठबंधन के प्रत्याशी आपके गांव में, समाज में विकास? जी जी जी। तो मौका उन्हीं को मिलेगा? मौका उन्हीं को मिलेगा। चलिए, खासकर देख सकते हैं कि सुल्तानपुर गाँव में जो है रोजगार के नाम पे जो आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। चाचा क्या बना क्या रहे हैं ये तो बता दीजिए आप, बना क्या रहे हैं? ये मछली मारने का बना रहे हैं। मछली मारने का मतलब, इससे कैसे मारिएगा? वो ऐसे देखो लगा हुआ छिटका ने, हाँ, पानी जाएगा। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे? क्या छिटका? बांस का छिटका। और इससे मछली, इसको कैसे मारिएगा? अंदर से पानी जाएगा तो उससे मछली चढ़ेगा ऊपर, तो उससे फिर वो। चलिए, जैसे हम इनसे बात कर लेते हैं कि खासकर देखा जाए तो, क्या नाम आपका, क्या नाम हुआ? मोहम्मद इमरान। इमरान जी, खासकर तो ये क्या बोले थे, छटकी, छिटका, छिटका बना रहे हैं। तो वर्तमान के जो आपके विधायक हैं, जनार्दन मांझी हैं, जदयू से हैं, उनके कार्यशैली से खुश हैं? नहीं, यहाँ पे कुछ काम ही नहीं किए हैं, यहाँ पे काम नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ काम ही नहीं यहाँ पे उसका। सोचे क्या है? सोचे अभी मन में तो कुछ नहीं बिठाए हैं कि क्या करना है, अभी मन में नहीं बिठा, लेकिन कब बिठाइएगा आप? तो चुनाव समय आएगा तो उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। वैसे क्षेत्र, आपके क्षेत्र में सक्रिय ज्यादा आना जाना किन नेताओं का रहता है? कोई नेता नहीं आता यहाँ पे, कोई भी इलेक्शन के टाइम में सिर्फ आएगा, ऐसे एक एक साल दो दो साल नहीं आता है। जैसे अब इलेक्शन आने वाला है तो सब आएंगे, फिर पाँच साल कोई नजर नहीं आएगा। तो कुछ तो सोचे होंगे कि बदलाव करेंगे? बदलाव तो अब जैसा होएगा उसके बाद सोचेंगे। बेरोजगार? नहीं, रुकिए, पहले बात ही होनी चाहिए।
वहाँ लॉकडाउन में 5 महीना फंस के रहे। कहाँ थे लॉकडाउन में? कहाँ थे? बम्बई में। क्या नाम क्या आपका? शेख अजमल। शेख अजमल जी, बम्बई में क्या करते थे? एम्ब्रॉयडरी का काम करते थे। तो फिर छिटका बनाने कैसे सीख गए? अभी खाने पीने का तकलीफ हो रहा है। ये सब तो गांव में हम लोग का मात्र गांव है, तो ये सब तो बचपन से हम लोग को आता है करने के लिए। इसके लिए मतलब हम लोग बैठे हुए, तो चलो कुछ भी आ जाए, तरकारी उरकारी से कम से कम बचेगा, जो मच्छी आ जाएगा पैसा तो बचेगा अपना, कुछ भी कर करके खाएंगे पिएंगे। 4-5 बच्चे हैं। सरकार से, वर्तमान की जो सरकार है उनसे खुश हैं? सरकार जो है तो बीजेपी की जो सरकार जो है तो वो तो समझ जा कि जो भी कर रहा था बहुत गलत कर रहा है। ये लॉकडाउन जो लगाया है तो कोई तकलीफ नहीं, मगर मजदूर को काम करने के लिए जाए तो रोजगार चाहिए। अब वो लॉकडाउन लगा दे, हम घर में सेफ बैठे हुए हैं, अब घर में 5 बच्चा। छिटका से कितना कमा लेते हैं? छिटका से कुछ नहीं कमाएंगे, मछली यानी घर की रोजी रोटी। रोजी रोटी अगर आ गया कुछ तो चल जाएगा, नहीं तो समझो कुछ भी नहीं, ऐसे बैठे हुए हैं, क्या करें। जरूरी है ये भी नहीं है कि मछली आ ही जाए, कोई जरूरी नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये जरूरी नहीं कि मछली आ ही जाए किसी दिन। हाँ ये समझ जाओ, हम लोग का जो रोजगार नहीं करता। हाँ ये एक टाइम पास है, घर में बैठे हैं तो क्या करेंगे। चलो भाई, कम से कम तरकारी लो 100 रुपए किलो, वो लो 100 रुपए किलो, कहाँ से इतना आएगा पैसा। चलिए और कौन कुछ कोई, हाँ आज उनसे भी बात कर लेते जी। क्या नाम क्या हुआ? मोहम्मद जुबैरुल कादरी नाम है मेरा, मौलाना जुबैरुल कादरी मुझसे कहते हैं लोग। खासकर हम आपके विधानसभा क्षेत्र में इसलिए आए हैं कि अब तो चुनाव होने हैं विधानसभा के, 5 साल पूरे हो गए विधायक, विधानसभा विधायक के, तो आपके विधायक वर्तमान के जनार्दन मांझी हैं, उनकी कार्यशैली से खुश हैं? देखिए जनार्दन मांझी का तो मेरे पास उसका नाम ही ना लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि हम तो मीडिया कर्मी हैं, हम तो नाम लेंगे ही। जनार्दन मांझी सिर्फ जो है ना मांझी है, बाकी हम लोग जिस ख्वाबो ख्याल से उन्हें हम लोगों ने इंतखाब किया था कि नहीं हमारे हर काम में वो श्री जनार्दन मांझी खड़े उतरेंगे, और जो उन्होंने हम लोगों को दिलासा और एक तशफ़ी बख्शे, जो उन लोगों ने हमसे कलाम किया था, हम लोगों से गुफ्तगू किया था कि मैं आपके हर मोड़ पे दुख सुख में काम आऊँगा। आज तक ये 5वां साल पूरा होने को है, हमारे क्षेत्र हमारे पंचायत में आज तक उन्होंने कभी नज़र उठाकर नहीं देखा, तो और ना किसी आवाम से पूछा कि आपके यहाँ क्या क्या काम बाकी है या क्या चाहिए, क्या परेशानी है। आज देखिए लोग ठेने भर पानी में चलकर, लोग अपनी माँ बहनों से निकलना, जब अभी बारिश का ज़माना चल रहा है, 2-3 दिन लगातार जब बारिश हुई है, माँ बहन घर में सौदा राशन पानी, ये सारी ज़िंदगी बिल्कुल दुश्वार है। ये तो जनार्दन सोचे क्या है? जनार्दन सोचे हम लोग अभी आपको क्या स्पष्ट बताएंगे, सोचेंगे बहुत अच्छा सोचेंगे। जनार्दन मांझी ये विधायक बनने के लायक ही नहीं है। तो सोचे तो होंगे, किसी को मौका देंगे? ये अच्छी तरह हम लोग सोचेंगे, अभी हम लोग कन्फर्म आप अभी नहीं बता सकते। वर्तमान के विधायक से खुश नहीं? बिल्कुल। हम क्या, आप जनता से पूछ लीजिए, इसे कोई आज तक कभी भी ये हम लोगों के ताल्लुक से कोई कभी अच्छा ख्याल किया हो, कभी नहीं, इसे बिल्कुल ना। सुल्तानपुर पंचायत भी है और सुल्तानपुर गांव भी है जी, किन नेताओं का आना जाना ज़्यादा रहता है आप लोगों से संपर्क? अरे भाई कमोबेश वो तो सब वैसे ही है, आज तक जिसको हम लोगों ने सपोर्ट, जिसको भी हम लोगों ने वोट दिया है, बस सामने आया, हम लोग दिलजोई के लिए मीठी मीठी बातें किया, काम हो गया बस वो। चलिए ये सुल्तानपुर पंचायत का सुल्तानपुर गांव के यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के बीच थे, और यहाँ के लोगों की जो ज़मीनी समस्या है, जो ज़मीनी हकीकत है, वो हम आपसे उससे हम आपको रूबरू कराए। खास तौर पर देखा जाए तो क्षेत्र में जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं उनकी कार्यशैली से लोग खुश नहीं हैं। इनका कहना है कि विधायक जो है जीतने के बाद इनसे मुलाकात के लिए नहीं आए, और गाँव में काफ़ी समस्याएँ हैं जो कि यहाँ की जनता ने आपके बीच रखा। और हम आपको बता दें कि फिर विधानसभा अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकले हैं, और खासकर हर एक गांव में मेरा जाना होता है, और वहां की जो समस्याएं होती है उससे हम जमीनी स्तर की बातें से रूबरू कराते हैं।